نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक मरतबा बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे इस बात का एहसास है कि आप कल रात काफ़ी देर तक जगे हैं और आँखों में खुमार भी है। आप कल एक रात जगे हैं, फ़कीर पिछली 5 रात से आधी रात से ज़्यादा नहीं सोए हैं। इत्तफाक ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। हम पैदा ही किए गए हैं दीन सीखने और सिखाने के लिए, और ये वक्त जो हमारा उसमें लग जा रहा है, हम ये ना समझे कि हम परेशान हो रहे हैं। ये तो हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा दे रहा है। देखो, चाहे हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ़ लाएं, चाहे हुजूर मुहद्दिसे कबीर तशरीफ़ लाएं, जलसा हो, नात की महफिल हो या ज़िक्र की महफिल हो, कोई भी महफिल हो, है तो इस्लाम की महफिल। आज ये महफिल हमारी बड़ी खुश्क मानी जाती है। इसमें कोई नारा नहीं लगता, इसमें कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं होती, इसमें आम फहम मसाइल जो है वो बताए जाते हैं, है ना। और जलसे में क्या होता है, मुकर्रर तकरीर करता है। तकरीर क्या है, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलाम की तर्जमानी है। वो गोया के इस्लाम को पेश कर रहा है। अब इस्लाम के मुख्तलिफ शोबे हैं, उन शोबों में से वो जिसको चाहे उसको पेश कर दे। कोई नात खान नात पढ़ता है तो आप ये बताओ, क्या नात की महफिल ये दीन और मज़हब की महफिल नहीं है? यकीनन ये दीन की और मज़हब की महफिल है। एक नात खां आपको क्या सिखाता है, हम आपको नसर में सिखा रहे हैं, वो आपको नज़्म में सिखाता है। अभी कारी साहब पढ़ रहे थे, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। ये बताओ, अगर आम तौर पे ये बात कही जाए तो जो हमारा फरीक़े मुखालिफ है, जिनको हम दयाबना कहते हैं, जिनको हम वहाविया कहते हैं, गैर मुकल्लिद कहते हैं, वो इस शेर के पढ़ने से पहले, ख़त्म होने से पहले शिर्क का फतवा ठोक दे। अरे ये तो शिर्क है, रसूलुल्लाह जहाँ बानी कैसे अता फरमा देते हैं। अब उसको जब समझाया जाएगा कि क़ुरान पाक में है, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल अता कर दें उसे ले लो और जिससे मना कर दें वो इसे तो बाज़ आ जाओ। तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया, तो जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया तो अब रसूलुल्लाह जिसको चाहें उसको अता फरमा दें, उसमें बुराई क्या है? तो एक मुकर्रर ये नसर में समझाता है, और एक नात खां जो है उसी को नज़्म में समझा देता है। एक नात खां उसे नज़्म में समझा देता है। तो चाहे बुज़ुर्गों में से किसी की महफिल हो, ये होती है दीन और मज़हब की खातिर, दीन और मज़हब की खातिर। बहुत खुश मज़मून सोच करके आया था, आपके गोश गुजार कर देता हूँ, है ना। मैं हमारे लोगों में कुछ चीज़ों की कमी महसूस करता हूँ।
कि बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं रहती हैं जिसकी वजह से आगे चल कर के गलतफहमियाँ होती हैं। ख़ास तौर से निकाह किसको कहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कब अलाहिदगी इख्तियार की जाती है, हमारे मुआशरे की बुनियाद इसी पर है। चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, निकाह करता तो है, कोई औरत तो उसके ज़िंदगी में आती है, वो उसके साथ ज़िंदगी भी गुजारता है, अल्लाह अपने फ़ज़ल से और अपने करम से उसे औलादे भी अता फरमाते हैं। लेकिन इनको किस तरह से रखा जाए, किसका किसके ऊपर कौन सा हक है, मैं आम तौर पर इन चीज़ों के बारे में बोलता आया हूँ। और दूसरी चीज़ मैं महसूस करता हूँ विरासत का, यानी तरका। ये तरका क्या चीज़ हुआ करती है, कहते कि ज़िंदगी जब तक इंसान गुजारता है मैं अपने इस रुमाल का मालिक हूँ, कारी साहब बोल सकते हैं मैं अपनी घड़ी का मालिक हूँ, कारी साहब बोल सकते हैं कि वो अपनी टोपी के मालिक हैं, सर से लेकर के पैर तक जो भी चीज़ें इन्होंने पहन रखी हैं, घर में जो भी कमा के रखे रखा है सब इनका है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आँख बंद होने के बाद जब खुलेगी नहीं तो कुछ भी इनका नहीं रहेगा, कुछ भी हमारा नहीं रहेगा। तो जनाब ये जब हमारा नहीं है तो है किसका, शरीयत फरमाती है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अपनों का हो गया, ये तुम्हारे अपनों का हो गया। अच्छा ये बताओ, दूसरी कौमों की तरह अगर मज़हब इस्लाम रहता, एक बेटे को एक मिसाल के तौर पर, एक वालिद का इंतकाल हो गया, बच्चे की उम्र एक 10-15 साल 20 साल है, ना तजर्बेकार है, अगर तरके के मसाइल ना होते यानी विरासत के मसाइल अगर नहीं होते तो शौहर के इंतकाल के बाद बीवी निढाल होती, बच्चे जो है वो निढाल होते, कोई पुरसाने हाल ना होता, अगर वालिद के तरके में से भी उनको कुछ ना दिया जाता तो बताओ उनका कौन पुरसाने हाल होता। सोच के देखो, इस्लाम का हर कानून सिर्फ कानून ही नहीं है बल्कि रहमत है, सिर्फ वो कानून ही नहीं है बल्कि वो रहमत है। एक मान लो एक 15 साल 20 साल का बच्चा घर में है, वो अभी कमा नहीं सकता, अभी उसकी सोच पुख्ता सोच नहीं है, एक बीवी का हाल शौहर के इंतकाल के बाद ऐसा होता है कि वो भी अधमरी हो जाती है, गशी तारी होने लगती है, बेहोश होती है, अगर इतना भी नहीं हुआ तो कम से कम इतना ज़रूर है कि आंसू बहा बहा करके वो कमज़ोर हो जाया करती है, घर में खाने का भी वो एहतमाम नहीं किया करती, फिर ये कि वो इद्दत के अय्याम गुजारती है, इद्दत के अय्याम गुजारती है, उसमें वो अच्छा लिबास पहन नहीं सकती, आम तौर पर जो लोगों की खुशियाँ होती हैं उसमें शरीक हो नहीं सकती, वो इद्दत के अय्याम। अब इन अय्याम में भी इस्लाम में अगर तरके का मसला ना होता तो बताओ उस बच्चे की मदद कौन करता, उस खातून की मदद कौन करता, छोटी बच्चियां रह जाती हैं उनकी मदद कौन करता। ये इस्लाम ही है जिसने ज़िंदगी के हर हर गोशे में अपनी रहमतों का जाल फैला करके रखा है, अपनी रहमतों का जाल फैला करके रखा है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ, मैंने चाहा कि कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ। हमारे यहाँ असल से फरा बढ़ जाती है, असल से फरा का मतलब क्या है कि एक शय अपनी जगह अपना वजूद रखती है, उस शय में हम इतनी मिलावट कर देते हैं कि अब दूध दूध नहीं रहता, पानी ही पानी नजर आता है ना। पहले लोग दूध में पानी मिला देते, अब पानी में दूध मिला देते, अब दूध असल है पानी उसकी फरा है। कहते हैं कि इतना पानी ना मिलाओ कि दूध का वजूद ख़त्म हो जाए, दूध का वजूद ख़त्म हो जाए। देखो निकाह करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कहा निकाह का मकसद क्या है, अच्छा आप बताओ आपकी नज़र में निकाह का मकसद क्या है, रिश्तेदारों को खाना खिलाना, रस्म व रिवाज की पाबंदी करना, वलीमे की दावत करना, ज़ियाफ़त करना, और आपके यहाँ तो रात के 12 बजे भी नाश्ता होता है, रात के 2 बजे भी नाश्ता होता है, गलत नहीं है, गलत नहीं है ना। एक जगह से मैं आया, कहा हम लोग कपड़ा लेकर के गए थे, कुछ सामान लेकर के गए थे,
और उन्होंने हमारी नाश्ते की दावत की, वहाँ पे हम नाश्ता करते हैं। कहाँ रात को 2 बजे? कहाँ रात के 2 बजे। तो ये नाश्ता एक लफ्ज़ आम हो गया, मतलब क्या? ज़ियाफ़त की जाए, जो भी ज़ियाफ़त हो वो की जाए। अब निकाह तो नाम था किस चीज़ का? निकाह नाम था किस चीज़ का? सिर्फ इतना, बीवी बोले कि मैंने निकाह किया, शौहर बोले मैंने निकाह को कबूल किया, दो गवाहों के सामने ये बात हो जाए, दो गवाहों के सामने ये बात हो जाए, गवाह गवाही दे दें कि हाँ इन्होंने हमारे साथ इकरार किया, हमारे सामने इकरार किया, इसी का नाम निकाह है। अल इजाब वल कबूल, ये शरीयत की ज़बान में बता रहा हूँ, इसी का नाम। ये तो असल हुई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और ख़ुद आपने जो 11 निकाह फरमाए और बैकुत 9 अजवाज मुतहरात निकाह में थी, फरमाते हैं किसी का भी इतना बड़ा वलीमा या इतनी बड़ी ज़ियाफ़त नहीं हुई, इतनी बड़ी ज़ियाफ़त नहीं हुई। आप वलीमा करते थे, वलीमा कब करते? कहा निकाह जिस दिन होता था उसके दूसरे दिन वलीमा करते थे। आज इंसान के पास वक्त इतना कम हो चुका है कि अब वो वलीमा सरकार की तरह नहीं करना चाहता, वो अपनी तरह करना चाहता है, इबादत को भी तोड़ मरोड़ करके अपने एतबार। अब तो इंसान की ख्वाहिश है ना, हर चीज़ मेरे एतबार से, मेरे एतबार से। अरे मरेगा भी क्या अपने एतबार से? मरेगा भी क्या अपने एतबार से? अरे जनाब, अपने एतबार से ना दुनिया में आया और ना ही अपने एतबार से दुनिया से जाएगा। तुझे एहसास नहीं है कि दुनिया में तेरे एतबार से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी हो ही नहीं रहा। क्या तू चाहता है कभी बीमार पड़े? बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या तू चाहता है तेरा जिस्म कमज़ोर पड़े? लेकिन जिस्म कमज़ोर होता है कि नहीं होता है? तो चाहता है कि मतलब दुनिया से चला जाए, लेकिन तेरी चाहत के एतबार से क्या ज़िंदगी रह पाती है? कहते नहीं है, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है, अपने एतबार से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब आइए वहीं पर लौट करके कि निकाह नाम है ईजाब और कबूल का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वलीमा किया, आपने कैसे वलीमा किया? आप जानते हैं सरकार आज निकाह फरमाते और रात गुजर जाती, दूसरे दिन सहाबा इकराम को अपने दस्तरखान पर मदऊ करते। सरकार के दस्तरखान पर सत्तू हुआ करता था, खजूरें हुआ करती थी और कभी कभी घी भी हुआ करता था। सरकार करते क्या थे उन तीनों का? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को मंगाते और तीनों को गूंद दिया करते। सत्तू खाने की चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसमें खजूर मिला दिया मिठास पैदा हो गई और उसमें घी मिला दिया लज्जत पैदा हो गई, और रसूल पाक की उंगलियाँ मिल गई, ये तो सबसे ज़्यादा लज्जत पैदा हो गई। उस खाने का तो बदल ही नहीं है, उस खाने का बदल ही नहीं है। सरकार ने फरमाया यही वलीमा है, खा लो, यही वलीमा है, खा लो। कितनी सादगी से किया। अब आओ हम क्या करते हैं, दोपहर में निकाह हुआ शाम को, ये बहुत तेज़ी से शहरों में फैल रहा है। मैंने कहा इबादत वही इबादत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक की जाए। अगर आप इबादत करना चाहें, तरीक़ा आप अपना इख्तियार कर लें तो वह इबादत नहीं है। आप हज करने के लिए जाते हैं, कहा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ज़िलहिज्जा को ही हज होगा, कहते हैं कि नहीं हम अभी भी वो जगह मौजूद है, अभी भी मीना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, बड़े बड़े शैतान भी हैं, अब तो खड़े हुए शैतान कम है, घूमते हुए शैतान ज़्यादा है। क्या सब कुछ है, खाने काबा भी है, का अब कोई हज कर ले, कहते उसको घूमना कहा जाएगा, हज करना नहीं कहा जाएगा, घूमना कहा जाएगा उसे, हज करना नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से दावत वलीमा का बहुत शौक़ है कि सुन्नत अदा हो जाए, लेकिन क्या है उसका तरीक़ा हमारा होना चाहिए। असर के बाद निकाह, मगरिब बाद वलीमा, असर के बाद निकाह, मगरिब बाद वलीमा, ज़ुहर बाद निकाह, मगरिब बाद वलीमा। कहा ये दावत तो हो सकती है, रसूल पाक की सुन्नत नहीं हो सकती। भाई सरकार ने क्या ऐसे किया, सरकार ने क्या ऐसे किया? हम बारहा इस चीज़ को बोला करते हैं,
कि जैसे सरकार ने किया, जिस अमल को अंजाम दिया, जिस वक्त अंजाम दिया, उसी तौर पे करोगे तभी सुन्नत है, और अपनी तबीयत को सरकार के अमल में दाखिल कर दोगे तो वो सुन्नत नहीं है। अब आओ, निकाह नाम है ईजाब और कबूल का। पहले निकाह आसान था तो बुराइयां कम होती थी, पहले निकाह आसान था बुराइयां कम होती थी, वालदैन देख लिया करते थे और पसंद कर लिया करते थे और उसके बाद निकाह हो जाता था। आज पेट नहीं भरता तो खुद से भी जा करके देखते, फिर भी निकाह पर कायम नहीं रह पाते। बाबा जो बरकतें वालदैन और बड़ों की नज़रों में है वो छोटों की नज़र में तो नहीं है, वो छोटों की नज़रों में नहीं है। छोटे की नज़र वहाँ तक देख ही नहीं पाएगी जहाँ तक वालदैन करीमैन की नज़रें देख लिया करती हैं। अब इसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया, ये निकाह बहुत आसान था, ये निकाह बहुत आसान था। क्या है, मैंने बताया दो आकिल बालिग मुसलमान की मौजूदगी में, अरे ये जो खुतबा पढ़ा जाता है, ये दुआ होती है, ये निकाह की जो दुआ है वो भी निकाह का जुज नहीं है, वो भी निकाह का जुज नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ताकि निकाह में बरकतों का नुजूल हो जाए। ये जो दुआएं होती हैं, ए अल्लाह इनके जोड़े को सलामत रख, तो ये तो दुआ हुई ना, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैना आदम व हव्वा, यही कहते हैं, ए अल्लाह इनके दरमियान में तू मोहब्बत पैदा फरमा। कैसी मोहब्बत? जैसे तूने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में मोहब्बत पैदा फरमाई थी, है ना। एक तो बड़ों का नाम लिया तो नाम लेने की बरकत, फिर उनके सदके में उनकी मोहब्बत का वास्ता दे करके अल्लाह से मांगा कि मौला इनके दरमियान भी ऐसी ही मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त, मुख्तलिफ अंबिया इकराम के नाम लिए जाते हैं, हाँ, बैना इब्राहिम व हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता मौला वैसी मोहब्बत पैदा फरमा जिनके सदक़े में खाने काबा जमीन के ऊपर वजूद में आ गया, वैसी मोहब्बत अदा फरमा। ए अल्लाह मूसा व सफूरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये दुआ है, ये क्या है, ये दुआ है। हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। ये सारी चीज़ें जो हैं निकाह में बरकत के लिए हुआ करती हैं, वरना निकाह से, अच्छा आपके रजिस्टर पे लिख देने का नाम निकाह नहीं है, दो फोटो लगा देने का नाम निकाह नहीं है, साइन कर देने का नाम निकाह नहीं है, रसीद कटवा देने का नाम निकाह नहीं है। जिस ज़माने में रसीदें नहीं थी, दफ्तर नहीं था, दस्तखत नहीं होते थे, फोटोज़ नहीं लगाए जाती थी, तो क्या उस ज़माने में निकाह नहीं होता था? कहा उस ज़माने में जितना मजबूत होता था इस ज़माने में उतना मजबूत होता ही नहीं है। कहा इस ज़माने की हजरत ज़रूरत है, क्या करें, ज़माने में बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं, अरे इसकी वजह से तो और ज़्यादा धोखे हो रहे हैं, इसकी वजह से तो और ज़्यादा, अरे दुनिया में दो दो पासपोर्ट बन जा रहे हैं, वो दो निकाहनामे बन गए तो कौन सी बड़ी बात है। चलो, तो इस निकाह को बुजुर्गान दीन ने इतना आसान कर रखा था, इस निकाह को बुजुर्गान दीन ने इतना आसान कर रहा था। आज देखो लड़की वाले रोते हैं कि निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया, निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया, ये हमारे ऊपर बोझ हो गया। आज लड़के वाले इतना डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मैं बारहा इस चीज़ को बोला करता हूँ, मांगना ये हमारा सेवा नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरु मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आप मर्द हो, इंसान हो, अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा रखी हैं, वरना ये बताओ ये हट्टी कट्टी जवानी देने का फिर फ़ायदा क्या? कुदरत ने आखिर क्यों दिया, आखिर कुदरत ने हमें हट्टा कट्टा क्यों बनाया? कुदरत चाहती तो हम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही रह जाते, दूध पीते हुए पैदा, दूध भी नहीं था जब पैदा हुए थे, वह तो अल्लाह ने अपने करम से माओं के सीनों में पैदा फरमाया था, उसने अपने कर्म से अदा फरमाया, वरना अगर दूध ना मिलता तो हम कहाँ जाते। हालत ये कि मतलब उलट पलट नहीं सकते, अल्लाह ने उसके बाद इतनी कुव्वत अता फरमाई, इतनी कुव्वत अता फरमाई, आज हट्टे कट्टे जवान हैं, अल्लाह ने बाजू भी सलामत अदा फरमाए, हाथ पांव सारे आज़ा सलामती के साथ अदा फरमाए, तो जाहिर सी बात है रब हज़ारों लाखों नेमतें दे रहा है तो जिम्मेदारियाँ भी तो दे रहा है ना। याद करो उस दिन को जब निकाह हुआ था और पढ़ाने वाले ने कहा था तुम्हारा निकाह इतने महर के बदले में फलानी औरत के साथ पढ़ाया जा रहा है,
فلانی عورت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، اس وقت آپ نے قبول کیا تھا، الحمدللہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا لفظ ہے، آپ کو احساس ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے، یہ لفظ اس بات کا گواہ ہے ساری زندگی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، ساری زندگی گھر رکھنے کی ذمہ داری، گھر لے کر کے رکھنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آج بچے بول دیتے ہیں نا کہ ایڈوانس آپ دو گے، کرایہ آپ دو گے، لڑکی والے دیں گے، نہیں ہے ان کے اوپر واجب، اور لڑکی والے بھی اتنے دبے رہتے ہیں کہ داماد نے کہہ دیا تو اس کا حکم جو ہے بیٹے سے زیادہ مانتے ہیں، اس کا حکم جو ہے بیٹے سے زیادہ مانتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا پڑے گا، ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا پڑے گا۔ سوال یہ سدھارا کیسے جائے، کہا یہی دینی تعلیم کو عام کرو۔ ہم یہاں پر آج 20 بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 20 کو سنایا جائے گا، یہ 20 جا کر کے 40 کو سنائے اور 40 جو ہے وہ 80 کو سنائے۔ دین پھیلتا ہے پھیلانے کی وجہ سے، بتاؤ ان کو کہ کیا ہے نکاح کیا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ نکاح کا موقع رہتا ہے، سارے احباب خوش رہتے ہیں، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، سب مبارکباد دیا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، آباد رہے کی دعا دیا کرتے ہیں، لیکن خطبے پہ کبھی غور کیا نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرتے رہو، اے لوگوں ڈرتے رہو۔ اس خوشی کے موقع پر جب انسان مسکرا رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، آخر پروردگار ڈرا کیوں رہا ہے؟ وعدہ کر لینا بہت آسان ہے، نبھا کر کے دکھانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام وعدہ کر لینا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام کہتے کہ وعدے کو نبھانا۔ اب یہ تو ہم نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کو اپنے نکاح میں ہم نے قبول کر لیا، کیا ہم زندگی بھر اس وعدے پر اتر پائیں گے، اس وعدے کو پورا کر پائیں گے؟ کوئی بھی حالت ہو، یہ واجب نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر سے لائے، مانگ کر کے لائے، کام کر کے آپ کو کما کر کے دے، یہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر کر رہی ہے ہمارے ساتھ تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بہت آسان تھیں، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ پہلے نکاح رات میں ہوتا تھا، تو گھر سے بارات نکلتی تھی، یہ لفظ پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ قاری صاحب آپ کی بھی دن میں نکلی تھی، کہتے ہیں اس لفظ پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ کہتے ہیں بارات ہے نا، یعنی با رات، با مصاحبت کا ہے، رات کے ساتھ بولتے ہیں نا، با مراد، کیا بولتے ہیں؟ با مراد، یعنی مراد والا ہے، پا گیا اپنی مراد کو، اپنے مقصد کو وہ پا گیا ہے، اس لیے با مراد بولتے ہیں اس کو۔ تو با جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے نا، با جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا بنایا؟ با رات، رات کے ساتھ لوگ ہیں، آج کی رات میں جاتے ہیں، آج کوئی رات میں جاتا ہے، اب تو بات دن بولنا چاہیے، بارات نہیں بولنا چاہیے، برات برات جو بولتے ہیں برات نہیں ہے، وہ بارات ہے، کیا ہے وہ؟ بارات ہے۔ تو اب اسے بات دن بولنا چاہیے، بارات نہیں بولنا چاہیے۔ چلو، پہلے ایسا ہوتا تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رات میں لوگ جاتے تھے، رات بھر رہتے تھے، اور صبح ناشتہ واشتہ کر کر کے آرام سے پھر واپس آتے تھے، یہ پہلے ہوتا تھا۔ اب وہی بات، فرصت کس کو ہے، فرصت کس کا، دن میں ہی سب نپٹا لو، اب تو اتنی جلدی کا معاملہ ہو گیا کہ فرصت اتنی بھی نہیں کہ دوسرے دن ولیمہ کرو، اسی دن ولیمہ بھی کر لو، اسی دن ولیمہ بھی کر لو۔ اب دیکھو، پہلے گھروں میں نکاح ہوتا تھا، اب ہم بھی شہر میں رہنے لگے، کیا کریں؟ اگر ہم گھر میں نکاح کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں، یہی بات آتی ہے نا، جو ہے وہ ہے، یہی بات آتی ہے، ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ مطلب اتنی ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں، ہے نا، ہم سب مل کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں۔ کیسے؟ جس ماحول کو ہم رواج دے رہے ہیں، عمرہ تو آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے، غریب کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، غریب کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کے پاس اتنی بھی قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ 50 آدمیوں کو کھانا کھلا سکے، چے جائے کہ 500 لوگوں کے کھانے کا وہ کیسے اہتمام کرے گا، وہ کس طور پہ اہتمام کرے گا۔ پہلے جو نکاح ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا، ایک صحابی اپنے دوست کو لے کر کے گئے، مہاجر صحابی تھے، کہ فلانے دوست کے پاس میں نے سنا ہے کہ ان کی صاحبزادی جو ہے وہ بڑی ہو گئی، چلو نکاح کی بات تمہارے لیے کرتا ہوں۔ وہ گئے اور اس کے بعد اپنے ساتھی کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا، آپ یہیں پہ رہیں کیونکہ آپ اجنبی ہیں۔ وہ گھر کے اندر گئے
और उनके सामने पेशकश की, जो सहाबी लेकर के गए थे वो खुद शादीशुदा थे, और जब अपने दोस्त के पास लेकर गए उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त हैं आप अपनी बच्ची का निकाह कर दें। तो देखो कितनी सादगी का, कितने सादगी का जमाना था। आज ये इतनी सादगी के साथ कोई बोल पाएगा? जब तक पांच छह थाल साथ में ना जाए वो दावत कैसी है ना, दावत कैसी? अरे भाई हम तो फिर भी गनीमत में, ये हकीकत है, हम जो यहाँ पे भी जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी गनीमत है। मैंने तो ऐसा देखा कि लाख दो लाख तीन लाख की तो कोई बात करता ही नहीं, उससे ज्यादा की बात करता है। ये तमाम चीजें जो है ना जो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, इससे हम खुद ही तकलीफ में आ रहे हैं, इससे हम खुद ही तकलीफ में आ रहे हैं। और मिजाज और माहौल ऐसा बन गया है कि अगर ऐसा नहीं करके देंगे तो निकाह होगा भी नहीं, निकाह होगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इन गुनाहों में हम खुद भी शरीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन गुनाहों में हम खुद शरीक हो रहे हैं। इन हालात में हम जैसे लोगों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो हकीकी हुक्म है वो बताएं, जो हकीकी हुक्म है वो बताएं कि इसी का नाम निकाह है, इजाब है, कबूल है, चार लोग बैठ करके कर ले, छुहारे उड़ा दे, हाँ छुहारे उड़ाए, कहते हैं कि ये भी है, ये भी है, कहते कि इसी का नाम निकाह है। और उसके बाद यहाँ की जबान में रिपेयरिंग शुरू होती है शौहर की, मतलब क्या, सारी जिम्मेदारियां उसकी होती हैं, सारी जिम्मेदारियां उसकी हो जाया करती हैं। अब वो रखे, घर का एहतमाम करे, खाने का एहतमाम करे, कपड़े देने का एहतमाम करे, कहते हैं कि उसके दवा इलाज के लिए जो भी है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। ये सारी जिम्मेदारियां बाप के सर से हट करके अब शौहर के सर पर आ जाया करती हैं, शौहर के सर पे आ जाया करती हैं। और एक चीज़ और है, इसी तरीके से लड़की को भी ये समझना चाहिए कि जब वो किसी शौहर के निकाह में आ जाती है, जब वो किसी शौहर के निकाह में आ जाती है, तो आम तौर पे लोग बोलते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप का हक सबसे ज़्यादा होता है, ये सही है, लेकिन किसके ऊपर होता है? कहते हैं कि अगर बेटा हो तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप का हक सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर बेटी हो और शादीशुदा हो तो उसके ऊपर उसके शौहर का हक सबसे ज़्यादा होता है अल्लाह और उसके रसूल के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद। ये बात आमतौर पे आती है, माँ बाप बीमार हैं तो कौन उनकी तीमारदारी करेगा? कहते हैं वो भाइयों पर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारा असल घर जो है वो शौहर का घर है। तो इन चीज़ों को अगर हम रस्मों रिवाज को धीरे 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 कम करते आए तो निकाह आसान भी होगा और बुराइयाँ भी नहीं फैलेंगी, निकाह आसान भी होगा और बुराइयाँ भी नहीं फैलेंगी। आज बुराइयां इसीलिए तो फैल रही हैं क्योंकि निकाह मुश्किल हो गया। ये देखो पहले जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या है, आज कोई दूसरी शादी कर ले रोबाल है ना, अगर कोई दूसरी शादी कर ले तो लोग ताज्जुब से पूछते हैं आपने दूसरा निकाह कर लिया, पहले एक ही निकाह करके रखते थे तो लोग ताज्जुब से पूछते थे आपने एक ही निकाह किया है ना। आप सोच करके देखो, तबीयत नहीं शरीयत के एतबार से सोचना, शरीयत के एतबार से सोचना, तबीयत के एतबार से नहीं है ना। तबीयत ये है एक औरत के साथ रहना है, जैसे चाहे वैसे रहे, जैसे चाहे ऐसे रहे, आयश करें, कहते ये तबीयत है, ये क्या है, ये तबीयत है। और शरीयत क्या है, कहते नियत ये हो कि मैं भी गुनाह से महफूज रहूंगा और फलानी औरत को भी गुनाह से महफूज रखूंगा, ये शरीयत है, ये शरीयत है। उसको भी निकाह में लेकर के मैं भी गुनाह से महफूज रहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया निकाह करने से निगाहें झुक जाया करती है, निगाहों में जो आवारगी रहा करती है वो खत्म हो जाया करती है, आखिर इंसान किसको देखेगा। बाबा एक अपने दिल में बात को बैठा लो, औरत दुनिया की कोई भी हो, होगी तो एक ही जैसी, दो हाथ दो पांव,
इससे ज्यादा तो नहीं है, चार पांव चार हाथ आ जाए, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। होगी औरत दुनिया की कोई भी तो होगी, तो एक सिफत तो उसके अंदर पाई जाएगी, दो हाथ दो हाथ दो कान दो पांव, इंसान तो होगी। तो बाबा जो दूसरे में है वही हमारे हैं, सोच के देखो, जो दूसरे में सिफत है वही हमारे में है, तो जब हमारे पास है तो हम दूसरों के माल पर निगाह क्यों डालें, वो भी गलत निगाह। कहते हैं कि ये हरामकारी से जो चीज बचाया करती है वो निगाह है, वो निगाह है। मैंने कहा शरीयत क्या है, कहा शरीयत ये है, नियत ये हो कि हम भी गुनाहों से बचेंगे, दूसरों को भी गुनाहों से बचाएंगे। आज अगर किसी आदमी में इंसाफ करने की गुंजाइश हो, इंसाफ कर सकता हो, और अल्लाह ने उसे माल दौलत कुव्वत हर एतबार से नवाजा हो, अगर वो दूसरा निकाह कर ले तो गुनहगार नहीं है वो, और इस नियत से करे कि मैं भी गुनाह से महफूज रहूंगा और दूसरी वाली को भी गुनाह से महफूज रखूंगा, उसे भी इफ्फत की चादर दूंगा, तो ये सिर्फ करना जायज नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ सवाब भी उसे मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ सवाब भी मिलेगा। लेकिन पहली शर्त है इंसाफ की, और इंसाफ पर खरा उतरना ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। हाथी खरीदना आसान होता है, पालना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। तो ये इंसाफ आएगा कहाँ से, आप जब शरीयत को सीखेंगे धीरे धीरे तब जा करके आएगा, तब जा करके आएगा। ये निकाह में कोई ज़रूरी नहीं है कि पैजामा फलां पहनाएंगे, कुर्ता फलां आदमी पहनाएंगे, अमामा फलां पहनेंगे, जूता फलां पहनेगा, कहते ऐसा कुछ भी निकाह में नहीं है। अगर दूल्हा खुद बहुत पहन करके आ जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो निकाह नाम है सिर्फ इजाब और कबूल का, होना क्या चाहिए, जो वालदैन हों बड़े हों वो पैगाम को भेजें, घर की औरतें जा कर के दुल्हन को देखाएं, होने वाली दुल्हन को, और उधर से भी मर्द हजरात आ करके दूल्हे को देख लें, दोनों अपने अपने तौर पर तय कर लें कौन सी खूबियाँ देखी जाती हैं। मैं अक्सर हदीसों में बयान किया करता हूँ हदीसों के बारे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार खूबियों की वजह से औरतों से निकाह होता है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी है वो उसकी दीनदारी है, अमानतदारी है, उसका कुरान पाक पढ़ना है, उसका सच बोलना है, उसका अपने दामन को बचा करके रखना है, अपने माँ बाप के हकूक को अदा करना है और अपने तमाम भाइयों के हकूक को अदा करना है, और ये तमाम चीज़ें अगर वो अदा कर रही है तो वो दयानतदार है, अमानतदार है, वो दयानतदार है और अमानतदार है। वो ये खूबी जिसके अंदर पैदा हो जाए, कहते हैं सबसे बड़ी खूबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सरकार ने फरमाया औरतों को जो पसंद किया जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदान हसब नसब की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से, सहाबा इकराम ने पूछा ए अल्लाह के पैगंबर हम क्या देंगे, सरकार ने फरमाया कि तुम दीनदारी दो, तुम दीनदारी दो, दीनदार को लाओगे तुम्हारा घराना भी दीनदार हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें भी दीनदार हो जाएंगी, है ना। आमतौर पर ये बात होती है ना, बेटा बात नहीं मानता, मानेगा कहाँ से जब आपने अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, जब हमने अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना तो अब बेटा कहाँ से, हमने खुद ही तो बुनियाद रखी ना, ना मानने की बुनियाद किसने रखी, हमने रखी ना, तो जब हम ही ने बुनियाद रख दी है तो जाहिर सी बात है कि फल भी तो हम ही को मिलेगा, फल भी हम ही को मिलेगा। इसीलिए दयानतदार को ढूंढो, अमानतदार को देखो, जो अच्छी हो और अल्लाह और उसके रसूल का खौफ रखने वाली हो, ऐसी ईमानदार होगी। अच्छा ये बात क्यों कही जाती है, अल्लाह और रसूल के खौफ रखने वाली हो क्यों बात कही जाती है। देखो आप हमेशा, फिर भी आपका तो एक अलग मामला है कि आप लोग घरों में कारोबार करते हो, लेकिन आमतौर पर मर्द जो है सुबह घर से निकलता है, रात को घर से आता है, रात को घर से आता है। औरत मर्द के माल में जितनी चाहे उतनी खयानत कर सकती है, जितनी चाहे उतनी खयानत कर सकती है, लेकिन अगर आपने पहली ईंट बुनियाद की ईंट अच्छे से रख दी तो अगर वो ईमानदार रहेगी तो जिंदगी भर आपके माल में खयानत नहीं करेगी, आपके माल की हिफाजत करेगी, आपके माल की खयानत नहीं करेगी, आपके घर वालों को अच्छा देखेगी, आपकी नस्लों की अच्छी परवरिश करेगी,
और ऐसी परवरिश करेगी कि जैसे वो खुद नेक हो वैसी उसकी नस्लें भी नेक हो जाएंगी, वैसी उसकी नस्लें भी नेक हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पर बहुत ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो मरहला है, ये वो इम्तिहान है जिससे हर आदमी गुजरता है, जिससे हर आदमी गुजरता है। कभी कभी तो लड़कियों का देखने का सिलसिला शुरू होता है, 10-10 साल तक देखते रह जाते हैं, भाई क्यों नहीं, क्या कौन सी खूबी आप ढूंढ रहे हैं, आप कौन सी खूबी ढूंढ रहे हैं, क्या वो आसमान से उतरी, ऐसा ना देखें। मैंने बारहा ये बात कही है, दीनदार को इख्तियार करें, दीनदार को इख्तियार करें, दीनदार को इख्तियार करेंगे आपका घर बहुत अच्छा रहेगा। आदमी परेशान कब होता है, बाहर के हालात ख़राब हो जाएं तो वो इतना परेशान नहीं होता, हाँ घर के अंदर के हालात ख़राब हो जाएं तो वो खुदकुशी पर उतर जाता है, वो जीना नहीं चाहता। उसके अल्फाज होते हैं, घर नहीं जहन्नम बन गया है, कभी आपने सुना है बाजार नहीं जहन्नम बन गया, शोहरा के बोले, कभी आपने सुना है बाहर के हालात कितने भी ख़राब हो जाएं शोहर संभाल लेता है, लेकिन घर के अंदर के अगर हालात ख़राब हो जाए तो शोहर नहीं संभाल पाता। इसीलिए ये मुहावरा बोला जाता है, घर नहीं जहन्नम बन गया, घर नहीं जहन्नम बन गया। कभी आपने ये सुना कि दुकान नहीं जहन्नम बन गई है, कारोबार नहीं जहन्नम बन गया, बाजार नहीं जहन्नम बन गया, ये मुहावरा नहीं बोला जाता। क्यों? बाहर का जो मामला है, बाहर की जो बुराइयां है वो इंसान संभाल लेता है, लेकिन घर के अंदर की बुराइयां नहीं संभाल पाता है। इसीलिए घर ठीक तो सब कुछ ठीक, घर ठीक तो सब कुछ ठीक। दिन भर गाली खाने के बाद, दूसरों की झिझोड़ सुनने के बाद आदमी घर पे आए, उसकी औलाद मुस्कुराते हुए उसके सामने आ जाए और बीवी एक गिलास हंस करके पानी ही दे दे, सारा गम हल्का हो जाएगा, सारा गम उसका हल्का हो जाएगा। लेकिन ये हल्का कब होगा? जब आपने शरीयत पे अमल किया होगा तब हल्का होगा, वरना आते ही आते आग में तेल का काम हो जाएगा, आग में तेल का काम हो जाएगा। एक शोहर ने शिकायत, हमारे यहाँ मुकदमे चलते हैं ना, बेंगलोर का असल तमाशा देखना हो तो वहाँ पर आकर देखिए, आपको समझ में आएगा। शोहर ने शिकायत कर दी, सुबह उठ करके जल्दी नाश्ता नहीं देती है, तो अब उसने उठना ही छोड़ दिया। पहले तो फिर भी उठ जाती थी 9 बजे, अब उसने उठना ही छोड़ दिया 12 बजे। जब तुमने कही दिया तो लो उस पर अमल हो गया, नाश्ता नहीं देती तब नहीं दो। ये ज़िंदगी का मेयार रह गया, जियो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जियो तो अल्लाह और उसके रसूल के। यहाँ पे दुनिया में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, कुछ भी अपना पर्सनल है ही नहीं। मर जाओगे तो जिस्म का कपड़ा भी उतार लिया जाएगा। दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान ना अपनी मर्जी से आता है, ना अपनी मर्जी से रहता है और ना ही अपनी मर्जी से जाता है। ये सब किराए का है, ये सब कुछ किराए का है, इसलिए यहाँ से कुछ भी लेकर के जाना नहीं। किराएदार मालिक की जैसे फरमाबरदारी किया करता है, हर मुसलमान को रब्बे कायनात की फरमाबरदारी करनी चाहिए, रब्बे कायनात की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसी में आफियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अच्छा, अब चंद सवालात हैं वो भी सुन लें। जैद जमात में एक रिकात के बाद शामिल हुआ और उसने भूलकर इमाम के साथ सलाम फेर लिया एक तरफ, फिर उसके बाद अपनी छूटी हुई रिकात मुकम्मल की, तो क्या उसकी नमाज हो गई? जैद जमात में एक रिकात के बाद आया, ठीक है, और उसने, यानी जब इमाम ने सलाम फेरा तो तीसरी रिकात थी उसकी, उसने भूल करके एक तरफ सलाम फेर लिया। अगर उसे फौरन याद आ गया और वो खड़ा हो गया और अपनी रिकात मुकम्मल कर ली तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी अगर फौरन याद आ गया तो। और अगर दोनों तरफ भी सलाम फेर लिया और फौरन याद आ गया, फिर भी खड़ा हो गया, फिर भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद किसी काम में मसरूफ हो गया, जैसे आयतल कुर्सी पढ़ने लगा या सर पर हाथ रख करके या कवियो पढ़ने लगा, बाहर से देखने वाले को ये महसूस हुआ कि अब ये नमाज में नहीं है, इसको अमले कसीर कहते हैं, अमले कसीर कहते हैं,
अगर ये अमले कसीर हो गया तो अब उसकी नमाज जाती रही, अगर अमले कसीर हो गया तो उसकी नमाज जाती रही और उसको दोबारा वो नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर सलाम फेरने के बाद ज़्यादा नहीं रुका, ज़्यादा नहीं रुका, उसको फेरने के बाद फौरन याद आ गया कि मैं मेरी एक रकात नमाज छूटी थी और फौरन खड़ा हो गया, तो उसके अदा कर लेने की वजह से नमाज अदा हो जाएगी। यानी कहते हैं आमले कसीर नमाज से खारिज होने के बाद अगर ना किया हो तो वो नमाज को लौटा सकता है, नमाज हो जाएगी। नहीं, अच्छा, चलती ट्रेन, हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ पर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। चलती ट्रेन में तो नमाज नहीं होगी, है ना, चलती ट्रेन में तो नमाज नहीं होगी, ट्रेन का रुकना ज़रूरी है, लेकिन चलते हुए हवाई जहाज़ में नमाज हो जाएगी अगर आप पढ़ सकते हो तो, इतनी जगह हो और आप पढ़ सकते हो तो उड़ते हुए हवाई जहाज़ में नमाज हो जाएगी, उड़ते हुए हवाई जहाज़ में नमाज हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन का रुकना मुमकिन है, हवाई जहाज़ का रुकना मुमकिन नहीं है। अगर वो रुक गया तो ज़िंदगी की सांस भी रुक जाएगी, है ना, हाँ, तो उसका रुकना चूँकि मुमकिन नहीं है, उसका रुकना चूँकि मुमकिन नहीं है, वो फिज़ा में ठहर नहीं सकता, इसलिए उसमें नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उज़्र जो है वो काबिले कबूल है, और ज़मीन पर जो ट्रेन चल रही है ये उज़्र नहीं है, क्योंकि वो तो रुकती भी है, ठहरती भी है, हाँ ठहरी हो आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, नीचे उतर कर कहीं पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर ठहरी हो तो आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि क़िबला रुख हो और जो नमाज की शरायत हो वो तमाम शरायत अगर पाए जा रहे हो तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने लिखी पानी के जहाज़ पर, कहते हैं पानी के जहाज़ पर भी हो जाएगी, क्योंकि वो जहाज़ महीनों सफ़र करता है पानी के ऊपर, और जहाज़ कभी खुश्की के ऊपर नहीं आता, रुकता नहीं है, वो रुकेगा भी तो पानी के ऊपर ही रहेगा, वो पानी के ऊपर ही हो जाएगा। तो कहते हैं हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ का एक हुक्म है, और ट्रेन का ये अलग हुक्म है, ट्रेन का हो या बस का हो या पर्सनल गाड़ी हो, कोई भी हो, उसका हुक्म अलग हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन पर रुक सकती है। एक सवाल ये है कि स्टेशन या स्टेशन हवाई अड्डा पर आज गवर्नमेंट की पाबंदियों के साथ नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? कोई पाबंदी लगा दे आप कुर्बानी ना करो तो क्या आप कुर्बानी नहीं करेंगे? रोज़ा ना रखो तो क्या आप रोज़ा नहीं रखेंगे? इफ्फत-ए-नफ्स अपनी जगह पर है, इबादत सिर्फ वैसे ही नहीं की जाती जैसे कि हम और आप आम तौर पे जानते हैं। पहली चीज़ कि ये जो कानून है अभी पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये यूपी वगैरह में ख़ास हुआ है, कि बाकायदा मुकदमे भी किए जाते हैं और उसके सबूत के लिए वीडियो वगैरह भी बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बचना चाहिए। लेकिन ये कि नमाज कज़ा कर दें ये भी नहीं है, नमाज आप कज़ा कर दें ये भी नहीं है, पढ़ सकते हो तो पढ़ें नहीं तो इशारे से पढ़ करके आए जैसे पढ़ें, और फिर उसके बाद घर में आकर के उसको पूरे तौर पर अदा करें, उसको पूरे तौर पर अदा करें। ये तो मामला रहा यूपी का, लेकिन बकिया मकामात पर अभी इतनी सख्ती नहीं है कि आपको हम नमाज छोड़ने की इजाज़त देते हैं। नमाज अहमुल फ़राइज़ में से आपको अदा करना ही करना है, और सफ़र में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख़फीफ की है ना, ये सफ़र में तो और मुख्तसर की है ना भाई, आप आज ईशा की नमाज पढ़ेंगे तो चलो सुन्नत नफिल सब कुछ छोड़ दो तो कम से कम चार फ़र्ज़ पढ़ोगे, दो सुन्नतें तो पढ़ोगे, तीन वाजिबुल वित्र तो पढ़ोगे, इतनी तो कम से कम आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यही सफ़र में हैं तो कहते कि नहीं, अगर आपने दो फर्ज पढ़ ली, तीन वितर पढ़ ली तो ये भी बहुत है ना, चार की जगह दो फर्ज, कितना टाइम लगा। अब आप इसमें भी इतनी छूट चाहते हैं कि पूरी ही छूट जाए, कहते हैं कि छोड़ने में कम नसीबी है, हिरमा नसीबी है। मैंने जुमे को कहा था एक वक्त जो गुजर जाता है फिर क़यामत तक लौट करके नहीं आता। हम हर चीज़ में ख़ास तौर से नमाज में ये चाहते हैं कि और तकलीफ़ हो जाए, ना पढ़ना पड़े, बाबा वक्त तो गुजर ही जाएगा,
रब इरशाद फरमाएगा, वक्त तो दिया गया था, वक्त तो तुझे दिया था, पढ़ा क्यों नहीं, कौन से उज्र की बुनियाद पर? इंसान क्या जवाब देगा, इंसान क्या जवाब देगा? अल्लाह हम सबकी हिफाजत करवाए। कहते हैं दूसरे मकामात पर जो है वो अभी इतनी सख्ती नहीं है, दूसरे मकामात पर अभी इतनी सख्ती नहीं है, बल्कि बाज अभी भी कर्नाटक और दूसरे मकामात पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, अभी भी नमाज के रूम बने हुए हैं, अभी भी नमाज के रूम बने हुए हैं, दिल्ली जैसी जगह में भी अभी नमाज के रूम बने हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो अल्लाह अपनी इबादतों की खुद हिफाजत करने वाला है, लिहाजा जहाँ तक हो सके नमाज को ज़रूर पढ़ना। अभी वो सूरत हाल नहीं पैदा हुई है कि एमरजेंसी का हुक्म लगा दिया जाए कि अब नमाज ही छोड़ दो, ऐसा हुक्म नहीं। हाँ, इस बात के लिए कोशा रहो, एहतजाज दर्ज करवाओ, हुकूमतों में अदालतों में अपनी अर्जियों के साथ, अपने दस्तखत के साथ अदालतों में अर्जियाँ डाल दिया कि इबादतों की, जैसे पहले अदालतों ने फैसले किए थे उसी फैसलों को बाकी रखा जाए। हुजूर मुहद्दिस कबीर का इस सिलसिले में एक अच्छा बयान आया कि अभी नमाज के माफ़ी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने ये ऐलान भी कर दिया, अखबार में भी दे दिया, गलत है ये, क्या है, गलत है, अभी नमाज की माफ़ी और घर पे आकर के अदा करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बनाया, जहाँ चाहोगे नमाज पढ़ लोगे। पहली उम्मतों में ये था कि जब तक इबादत गाहों में नमाज नहीं पढ़ोगे उस वक्त तुम्हारी नमाज नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम फरमाया, ज़मीन के जिस हिस्से पर चाहे वो नमाज अदा करे, नमाज अदा हो जाएगी। दीनी मदारिस कायम करने की क्या फजीलत है? अल्लाह अकबर। कहते हैं ये मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा ये रसूलुल्लाह का घर है, बल्कि बाज़ फजीलतों के एतबार से देखा जाए तो मदरसे का मकाम और आला हो जाता है। यहाँ पे कुरान सुनाया जाता है, वहाँ पे कुरान सिखाया जाता है, अगर वहाँ नहीं सिखाया जाएगा तो सुनाएगा कौन? इसको आबाद रखना है तो उसको कायम करना पड़ेगा, बात समझ आ रही है? यानी मदरसे को कायम रखना पड़ेगा। भाई खाली साहब ने नमाज पढ़ाई, भाई पढ़ाना जानते हैं तभी तो पढ़ाया, तो क्या ये नमाज पढ़ाना, कुरान पाक पढ़ना, क़िरत करना आसमान से सीख करके आए थे? कहा नहीं, इन्हीं मदरसों से सीख करके आए, इन्हीं मदरसों से सीख करके आए थे। तो अल्लाह के घर को आबाद रखना है तो रसूल अल्लाह के घर को भी आबाद रखना पड़ेगा। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अली रहमत और रिजवान हमेशा हमेशा कोशा रहा करते थे मदरसे के लिए, मदरसे के लिए। एक मरतबा मुबारकपुर के लोगों ने पूछ लिया, हुजूर आप हमेशा मदरसे की बात करते हैं, मस्जिद की बात क्यों नहीं करते? इरशाद फरमा मदरसे रहेंगे तब ना मस्जिद रहेगी, मदरसे रहेंगे तब ना मस्जिद रहेगी। भाई मदरसे ही अगर नहीं रहे तो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, तरावी कौन पढ़ेगा, कुरान पाक कौन सुनाएगा? तो कहते हैं ये मदारिस जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हैं। अस्हाबे सुफा के बारे में आपने सुना होगा, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत में पढ़े रहते थे, इल्म सीखते रहते थे। कहते उसी की यादगार मदारिस है, उन्हीं की यादगार मदारिस है। चलिए अच्छा, एक सवाल ये कि दीन सीखने सिखाने की महफिल बेहतर है या नात खानी की? अब मुआजना नहीं कर सकते, जहाँ पर दीन, असल में नात खानी भी दीन ही है, मैंने बताया था नात खानी भी दीन ही है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा होगी उसकी फजीलत ज़्यादा होगी। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा गया कि कौन सा इस्लाम अफजल है, इरशाद फरमाया भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। एक मौके पर पूछा गया, आपने इरशाद फरमाया प्यासों को पानी पिलाना। एक मौके पर पूछा गया, आपने इरशाद फरमाया कि जो नंगे हैं उनको कपड़ा पहनाना। अलग अलग मौके पर अलग अलग चीज़ें, तो क्या मतलब, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करोगे तो वही ज़्यादा अफजल है। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, नात खानी की महफिल या दीन सीखने की। पहली चीज़ तो ये नज़र में रखनी चाहिए कि नात खानी भी दीन ही है, नात खानी भी
भाई कोई भी आप शेर उठा करके देख लो, उसमें दीन का कोई ना कोई तो पहलू नजर आ जाएगा, कोई ना कोई तो दीन का पहलू नजर आ जाएगा। आलात फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये बताओ ये है क्या? ये दीन नहीं है? ये दीन नहीं है कि भाई अल्लाह के रसूल के दरबार को छोड़ के तुम जाओगे कहां? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को छोड़ करके तुम जाओगे कहां? तो नात खानी भी हुई, दीन सिखाना भी हुआ, है ना? ये नात खानी भी हुई और दीन सिखाना भी हुआ। कहते हैं कि नात खानी भी जो है वो दीन ही की महफिल है। अलबत्ता जहां पर दीन के मखसूस मसाइल सिखाने की ज्यादा जरूरत हो वहां पर उन चीजों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इसी वजह से ये इज्तिमा हम करते हैं हर महीने। ये बहुत खुश्क है, इसमें नारा नहीं लगता, इसमें आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मतलब खुश्क चीजें बताई जाती, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन ये भी दीन की बहुत बड़ी जरूरत है। नात से अकीदा मिलेगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी, यकीनन बहुत अच्छी चीज है, यकीनन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दीन को इस तरह से समझोगे तो तुम्हारा घर भी सुधरेगा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी और मुआशरा भी सुधरेगा, घर भी सुधरेगा। तो ये दोनों अपनी अपनी जरूरत है और अपने अपने मकाम पर इनका अलग अलग हुक्म होगा। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये दोनों महफिलें दीन ही की महफिल है, अलग अलग कोई महफिल नहीं है। कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो क्या वो सिर्री नमाज में आवाज के साथ करत कर सकता है? कहते हैं कि सिर्री हो या जहरी हो कम से कम इतनी जोर से तो पढ़नी चाहिए कि अपने आप को सुनाई दे, अपने आप को सुनाई दे। अगर इतना भी नहीं पढ़ रहा और कि अपने आप को सुनाई दे तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसकी नमाज ही नहीं होगी। इतना जोर से तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे सिर्री ही हो, चाहे सिर्री हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अद्दीन, कम से कम अपने कान में तो आवाज जाए, अपने कान में तो आवाज जाए, इतना तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ जिसको हम जहरी कहते हैं, जिसको हम जहरी कहते हैं कि इतनी जोर से पढ़े कि पूरी मस्जिद में, कहते हैं ये गलत है, है ना? ये क्या है? गलत हो जाएगा और उसकी नमाज में कराहत पैदा हो जाएगी, उसकी नमाज में कराहत पैदा। जो नमाज सिर्री है उसे सिर्री के तौर पे पढ़ना है और जो नमाज जहरी है उसे जहरी के तौर पे पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग एडवांस की वजह से साहिब निसाब हैं लेकिन रोजी का अच्छा जरिया ना होने की वजह से लोग उनको शादी या बड़ी बीमारी के इलाज के लिए ज़कात के पैसों से मदद करते हैं, तो क्या उनकी ज़कात अदा हो जाएगी? एडवांस का पैसा ठीक है, उसके ऊपर ज़कात है, एडवांस के पैसे पर क्या है? ज़कात है। लेकिन एडवांस के पैसे पर हमेशा कुदरत नहीं रहती है। आदमी कभी कभी लीज़ का भी घर लेता है तो वो 2-3 साल का एग्रीमेंट होता है, 5 लाख रुपये दिए तो खाली, मैंने मना किया था सिर्फ लीज का ना कारोबार कर, ना काम करें, बल्कि उसके साथ 150 रुपये किराया भी रख लें, उसके साथ 150 रुपये किराया भी रख लें। अब 5 लाख रुपये उसने दिए हैं, 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है 3 साल से तो पहले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो पैसे तो हैं लेकिन कुदरत है पैसों पर का नहीं है। इस्लाम में यह है कि पैसे भी हों और पैसों पर कुदरत भी हो। एक कारोबारी होता है लाखों नहीं करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे होते हैं, करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे होते हैं, क्या उस मार्केट के पैसे को निकालने पर फिलफौर उसकी कुदरत है? कहते नहीं है। हाँ जब वो आ जाएगा तो ज़कात फर्ज हो जाएगी, जब वो आ जाएगा ज़कात फर्ज हो जाएगी, लेकिन जब तक कुदरत नहीं है वो ले नहीं सकता, उसका हुक्म अलग होगा। अब ये एडवांस के पैसे पर ज़कात तो होगी लेकिन कब? जब आपकी कुदरत हो तब, कुदरत हो जाए तब। अब ये 3 साल के लिए कम से कम 11 महीने का तो होता है, जो हम किराए पर भी लेते हैं कम से कम 11 महीने का। अब रमज़ानुल मुबारक से 1 महीना पहले हमने लिया और फिर सुबह रमज़ान शरीफ आ गया तो कहा कि अब उसके ऊपर ज़कात, फरमाया कि अब उसके ऊपर कुदरत नहीं है, अगले 10 महीने तक तो नहीं मिलेगा ना, वो पैसा अगले 10 महीने तक तो नहीं मिलेगा, आपके पास रखा हुआ था तब भी ज़कात थी, कहा किसी को दे दिया एडवांस के तौर पे तब भी ज़कात है, लेकिन फिलफौर अभी कुदरत है? कहते नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास
एडवांस के अलावा कोई रकम भी ना हो, वाकई वो मजबूर हो, कारोबार अच्छा ना चलता हो, जिनको इस्लाम ने, मजहब ने मिस्कीन कहा, फकीर कहा, वो उस दायरे में आ जाए, अगरचे लाखों की रकम एडवांस में हो, अगरचे लाखों की रकम एडवांस में हो, लेकिन एडवांस की रकम लेने की कुदरत ना हो, फिर से सुन ले, लेने की कुदरत अभी ना हो, मिसाल के तौर पर 6 महीने के बाद मिलेगी या 8 महीने के बाद मिलेगी, इस तरह की चीज़ें हो, तो फरमाते हैं कि ऐसा आदमी अगर वाकई मजबूर हो जाए तो उसे मदद की जा सकती है, उसकी मदद की जा सकती है, वाकई इतना मजबूर हो तो, वरना अगर थोड़ा मोड़ा भी कारोबार चल रहा हो तो कहते हैं कि आमतौर पर 20-25 हज़ार, 50 हज़ार रुपये कमा लेना कोई बेंगलोर में बड़ी बात नहीं है, बेंगलोर में बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इतना कोई कमाता हो तो उसे ज़कात की रकम नहीं दी जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, खाने खाने को लाले पड़ गए, तो यकीनन उसको दिया जा सकता है, मरीज हो तो मर्ज और हॉस्पिटल के नाम पर भी उसको दिया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल की बिल नहीं दे सकते, खुद उसको मालिक बनाना पड़ेगा, उस आदमी को मालिक बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल पूरे सवाल का खुलासा ये कि जिसकी एडवांस की रकम हो और वो एडवांस की रकम पर कुदरत ना रखता हो, मजबूर वाकई मजबूर हो तो उसे ज़कात की भी रकम दी जा सकती है, वरना नहीं दी जा सकती। और क्या है भाई, पूरी दरख्वास्त ही आ गई। अच्छा, इमाम अगर ये पहले कर लेना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए वक्त कुछ बोल देता हूँ। इमाम अगर रुकू या सजदे की हालत में है और मुक्तदी शामिल होने के लिए तकबीर कहते हुए नियत बांधे या हाथ छोड़कर क़याम करते हुए रुकू या सजदे में चला जाए, अगर रुकू या सजदे में रुकू में है तब तो नियत बांधे और उसके बाद जाए रुकू में, दूसरी तकबीर कहते हुए, लेकिन अगर सजदे में है तो अलग से उसको कोई नियत बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अल्लाहु अकबर कहते हुए बराह रास्त सजदे में भी जा सकता है, चाहे वो पहला सजदा हो या दूसरा सजदा हो। क्यों? क्योंकि जब रुकू से इमाम उठ गया तो वो रिकात अब जाती रही, उस रिकात का कोई एतबार नहीं है, लिहाजा तकबीर जो होगी वो सिर्फ रुकू, तकबीर जो होगी वो सिर्फ सजदे के लिए होगी, वरना क़याम के लिए वो तकबीर नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी इमाम को किसी ने हालत रुकू में भी पा लिया, हालत रुकू में भी पा लिया और एक तस्बीह की मकदार पा लिया तो उसकी रिकात मिल गई, तो अब वहाँ पे तकबीर कहना ज़रूरी होगा, दूसरे के लिए क़याम के लिए जो तकबीर होती है वो कहना ज़रूरी नहीं होगा। फज्र की नमाज शुरू की और एक रकात हुई सलाम फेरने से पहले, क्या है सूरज तुलू हो गया तो नमाज हुई या नहीं हुई? जाहिर सी बात है, वक्त कब तक है, वक्त कब तक है सूरज निकलने, हैं अरे सूरज निकलने के वक्त तक, सूरज निकलने के वक्त तक, उससे पहले ही नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद नमाज नहीं अदा की जाएगी। अच्छा, वजू करने के बाद दांतों में कुछ फंसा रह गया तो वजू हुआ? हाँ, अगर कुछ फंसा रह गया तो हो गया, और बहुत कुछ फंसा रह गया तो नहीं होगा। अगर कुछ कभी चावल के एक आध दाने फंसे रह जाते तो उससे वजू हो जाएगा, उसमें कोई मज़ाक़। वैसे भी वजू में जो कुल्ली करना है वो तो सुन्नत है, वो तो सुन्नत है। अगर दांत में कुछ चावल वगैरह के टुकड़े रह जाए तो कहते हैं कि उससे वजू हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत कुछ हो, जैसे चॉकलेट लेकर के ही आप चले हों और फिर उसके बाद, हाँ, वजू के नमाज में भी उसे खाते रहें, कहते हैं कि अब नहीं, वजू तो हो जाएगा लेकिन नमाज नहीं होगी। इसमें लिखा है कि नमाज की हालत में निकल जाए तो क्या करें, निकल जाए तो क्या करें? अगर मुँह के अंदर है, आपने निकल लिया तो कोई मसला नहीं है, मुँह के अंदर है तो अगर आपने निकल लिया, चने से छोटा हो, देखो फुकहा ने बताया चने से छोटा हो, अब जैसे चावल के दाने होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं रोटी के छोटे मोटे, तो उसके निकल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज भी हो जाएगी, वजू भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ, कुछ अगर हो तो, बहुत कुछ हो तो नहीं।
रमज़ान में सहरी के लिए ताखीर से नींद खुली और हालते इतलाम था और वक्त कम होने की वजह से सहरी कर ली, तुलुए फज्र के बाद गुस्ल किया, ऐसी सूरत में रोज़ा हुआ? हाँ, रोज़ा हो जाएगा। रोज़े के लिए पहली बात सहरी करना ज़रूरी नहीं, दूसरी चीज़ सहरी करने के लिए हालत पाकी में होना ज़रूरी नहीं है ना। ये मसाइल मैं सिर्फ फ़राइज़ के तौर पर बोल रहा हूँ, वरना बेहतर तो यही है कि आदमी पहले उठे, गुस्ल करे, उसके बाद सहरी भी करे, इबादत को इबादत के तौर पर करे। लेकिन अगर किसी की मजबूरी की हालत हो, वक्त ना हो, सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा हो, तो उसी हालत में भी अगर वह कुल्ली करके सहरी कर लेता है तो उसकी सहरी हो जाएगी, नमाज भी उसके बाद गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी हो जाएगी और रोज़ा भी हो जाएगा। बहते पानी बांदी या नदी वगैरह में मजबूरन पेशाब करना कैसा और उसे नापाक कपड़ा होगा या नहीं होगा? ये मजबूरी की क्या हालत है आपकी? बहते पानी में जैसे वो नहा रहा होगा तो बाहर आके कैसी ना करें, ये मजबूरी कहाँ होगी? ये मजबूरी कहाँ होगी? बहते पानी में देखो, लोग यही सब इस जो मजबूरियां नहीं होती ना उसको भी मजबूरी गिना देते हैं। भाई सब कुछ किया, मजबूरी है, मजबूरी है। नदी में नहाए, समंदर में नहाए, जहां नहाना नहाए, जहां नहाना नहाए, लेकिन पानी में ही पेशाब करना ये कौन सी मजबूरी आ गई? भाई पानी के अंदर जाके गुस्ल कर सकता है तो पानी के बाहर भी तो आ सकता है, पानी के बाहर भी तो आ सकता है, तो बाहर आकर के ये सब करें? पानी को बिलावजह नापाक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने पानी को तहारत के लिए पैदा किया है, कोई अगर मजबूरी में नापाक हो जाए तो उस नापाकी को दूर करने के लिए, आदमी खुद नापाक हो जाए तो नहाने के लिए, नापाकी को दूर करने, कपड़े में निजासत लग जाए तो उस निजासत को दूर करने के लिए रब ने इरशाद फरमाया वअंजलना मिनस्समाई माअन तहूरा, कि हमने आसमान से जो पानी नाजिल फरमाया वो पाक पानी नाजिल फरमाया, तो उसको पाक रखो, उसे पाक रखो। तो बिला वजह ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका। बिला वजह खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिला वजह पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब रहा मामला ये, साहब पूछते हैं लफ्ज़ मजबूरी, तो पहली बात कि मैं लफ्ज़ मजबूरी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। जब पानी के अंदर जा सकता है तो पानी के बाहर भी तो आ सकता है ना। पहली चीज़, अगर किसी ने पेशाब कर ही दिया, नदी में नहा ही रहा है, तो आपके पेशाब करने से नदी नापाक नहीं होगी। शरीयत में एक कायदा है देह दर्दा, क्या है देह दर्दा, 100 हाथ का अगर पानी हो तो वो बड़ा पानी है ना। अब उसमें एक तरफ अगर निजासत भी पड़ी हो तो दूसरी तरफ से वजू करना जायज़ है, दूसरी तरफ से वजू करना जायज़ है। कब? जबकि निजासत दिखने वाली हो, और निजासत अगर दिखने वाली ना हो तो हर तरफ से वजू करना जायज़ है। तो जब तक पानी में रंग बू मज़ा भी जबकि नापाकी के यकीन के साथ ना, वरना वो भी हमारे यहाँ मोतबर नहीं है। अगर यकीन है कि ये मरे हुए जानवर की ही बदबू है, अच्छा वो भी जानवर कैसा, जो पानी में ना पैदा होता हो, बाहर रहता हो, पानी में जैसे मछलियाँ मर जाए पानी नापाक नहीं है, मेंढक मर जाए नापाक नहीं है, लेकिन कुत्ता मर के पड़ जाए और पानी में बू आ रही है, यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये पानी उसी को छू करके आ रहा है, तब तो नापाक है। तो चलो, कहा बहते हुए पानी में किसी ने पेशाब ही कर दिया, तो कहते हैं कि जब पानी ज़्यादा हो तो वो नापाक नहीं होता, पानी अगर ज़्यादा हो तो वो नापाक नहीं होता। हाँ, अगर उसमें पेशाब की यकीनन बू आने लगे तो अब उसे नापाक माना जाएगा, लेकिन जब तक बू वगैरह नहीं आ रही उस वक्त तक नापाक नहीं होगा। इमाम रुकू या कादा में है तो मुक्तदी को तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ बांधे या हाथ छोड़कर क्याम करते हुए रुकू में? मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कादे में है या सजदे में है तो हाथ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बराह रास्त कादे में अल्लाह अकबर कहता हुआ चला जाए, अल्लाह अकबर कहता हुआ चला जाए। इमाम सज्दे में है, अल्लाह अकबर कहता हुआ चला जाए, हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर क़याम हालत क़याम में या रुकू में, तब जा करके वह हाथ बांधे और अपनी रकात को मुकम्मल करें।
अच्छा एक और सवाल, जमात में शामिल होने के लिए तकबीर कहकर क़याम किया और इमाम कायदे में था, मुक्तदी क़याम के बाद कायदे में बैठने ही वाला था कि इमाम ने सलाम फेर लिया, तो अब मुक्तदी क्या करे? अगर इमाम के साथ उसकी इतनी मकदार मिल गई है कि तीन तस्बीह कहने की मकदार है ना, एक रुकन के मकदार, तो वो उसके साथ शामिल माना जाएगा और अपनी नमाज को खड़े होकर के मुकम्मल कर ले, चारों रकात या दो रकात जितनी भी नमाज थी वो मुकम्मल कर ले। और अगर इतनी भी मकदार नहीं मिली तो अब इमाम के साथ उसकी शमूलियत नहीं मानी जाएगी, वह अकेला खड़ा होकर के पढ़े। पहली रकात में एक बड़ी सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में उसके बाद की छोटी सूरत छोड़कर बड़ी वाली पढ़ना कैसा, और बड़ी सूरत के बाद छोटी वाली कौन सी सूरत है, ये याद करने में तिलावत में ऐसा है, एक एक करके पढ़ो। कुरान करीम में तीन तरह की सूरत, तीन तरह की सूरतें, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल और किसारे मुफस्सल। बात समझ आ रही है? आप लोग सीख लीजिए, आपको तो मालूम होगा। बड़ी सूरतें जैसे कि सूरह बकरा है, सूरह निसा है, आले इमरान है, ये सारी सूरतें हैं एक तरफ से, कितना भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, पढ़ने में कोई वो नहीं है, जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ो। बस इतना याद रखो कि नमाज में छोटी जो तीन आयतें होती हैं उतना पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। किसारे मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, जो मुतवस्सित सूरत है, सूरह काफ के बाद, सूरह काफ के बाद, सूरह ज़ारियात है, सूरह काफ है, सूरह तूर है, ये सब औसाते मुफस्सल माना जाता है। औसाते मुफस्सल में भी जहाँ से पढ़ना चाहो जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो, कोई इसमें वो नहीं है। अब है कि किसारे मुफस्सल सूरह हैं, सूरह वदुहा वगैरह के बाद छोटी छोटी या अलग तरह के बाद जो छोटी छोटी सूरतें हैं, कहते हैं उसमें एक सूरत आपने पढ़ी, मिसाल के तौर पे अलग तरह पढ़ा, तो लीला के कुरैशी छोड़ना नहीं चाहिए, लीला के कुरैशी छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उसके बाद ही को पढ़ना चाहिए। अगर आपको छोड़ना है तो फिर लीला पे भी छोड़िए और अराइतल लदी भी छोड़िए, उसके बाद इन्ना आते ना पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हुक्म सिर्फ किसारे मुफस्सल का है, और साते मुफस्सल या तिवाले मुफस्सल का है ही नहीं, आप जितना चाहें जहाँ से चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें लिखने के बजाय आप कुरान के उसलूब को समझने की कोशिश करें। कुरानी सूरतें जो नाजिल हुई हैं उनकी तीन ही किस्में, तिवाल, औसात और किसार। तो कहते हैं ये तरतीब वगैरह जो है ये सिर्फ छोटी वाली सूरतों में, किसारे मुफस्सल में, बाकी किसी में नहीं है, है ना, जहाँ से जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, ठीक। और कुछ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ओ महलीना जी इरशाद हो, तिलावत करने वाले को खुद ही इस बात का एहसास करना चाहिए कि कोई दरूद व सलाम ना पढ़ रहा हो, और अगर तिलावत शुरू हो गई और कोई दुरूद व सलाम पढ़ रहा है और उसके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है तो उसको दुरूद पाक छोड़ करके कुरान पाक सुनना चाहिए, कुरान पाक सुनना चाहिए। जैसे मस्जिद में ऐसा होता है कि तब तक इंतजार करेंगे, हाँ नहीं तो उसमें गलत करने वाले की गलती नहीं है, है ना, उसमें गलत करने वाले की गलती नहीं, क्योंकि मस्जिद तो ऐसा मकाम ही है, मस्जिद तो ऐसी जगह ही है जहाँ पर हर हमेशा आदमी आते रहेंगे जाते हैं। नहीं तो शुरू होने के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिउ लहू, कुरान पाक में जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे सुनो, उसे सुनो। तो अब अगर क़िरत शुरू हो गई है तो उसके बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अलबत्ता कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम क़िरत शुरू करें और आदमी मिसाल के तौर पर नमाज हमारी क़िरत करने से पहले ही वो शुरू कर चुका हो, तो अब नमाज छोड़ना, ये छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जाए, वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले।
लेकिन जहाँ तक दुरूद शरीफ की बात है तो उसमें यही है कि उसको छोड़ दे और पहले कुरान पाक की तिलावत को सुने।